आयो रे माँ। मम्मी जी, बेटा तुमको देखने आज बर्देकुआ आ रहे हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है मम्मी जी, हम तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तुम तैयार हो जाओ, और तब तक जब तक तुम खाली हो, तैयार हो करके इंस्टा पर दो चार रील बना दो। ठीक है मम्मी, हम तैयार होके तब तक रील बना रहे हैं। कब तक आएंगे मम्मी जी? बेटा जब आएंगे तो मैं बताऊंगा। अच्छा मम्मी जी, एक बात पूछना, अगर लड़के का भाई जो पूछेगा तुम कितना तक पढ़ी हो, तो मैं क्या कहूँगा? बेटा तुम कह देना कि मैं पढ़ाई बहुत ज़्यादा किया हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं कह दूँगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ रील बनाओ, हम देखते हैं कब तक आ रहे हैं। ठीक है मम्मी जी, हम जा रहे हैं रील बनाने, और जब आएंगे तो आप हमको बताइएगा, तब हम आएंगे। ठीक है बेटा, तुम तैयार हो जाओ, और तैयार करके जाओ रील बनाओ, बढ़िया बढ़िया रील बनाओ, ताकि जो रील बनाओगी बेटा, सब जो बर्देकुआ। निशा, ओ निशा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, मोबाइल में सेल्फी लेकर व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल रही हूँ। दिन भर मोबाइल में घुसी रहती हो, खाना कौन तुम्हारी माँ आकर बनाएगी? देखो दीदी, तुम मुझे कितना भी भला बुरा कह लो, लेकिन मेरे माँ बाप तक मत जाओ, वरना तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। आई बड़ी मुंह नोचने वाली, तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। इस घर में जो कुछ भी होगा, सब मेरी ही मर्जी से होगा। और तुम भी ये मत भूलो कि मैं भी तुम्हारी देवरानी हूँ। जितना हक इस घर में तुम्हारा है, उतना ही हक मेरा भी है। अरे देवरानी जी, नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो बस इतना कहने आई हूँ कि जाओ और जाकर खाना बना लो, क्योंकि जब पेट में आग लगेगी तो ये मोबाइल खाना देने वाला नहीं है। देखो जेठानी जी, आज तुम्हारे पेट में लगती होगी, मुझे तो भूख लगती है, और फिर भी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे खाना बनाना, चाय नाश्ता बनाना, ये सब नहीं आता, ये सब काम तुम अनपढ़ लोगों का है। अरे बड़ी बदतमीज लड़की हो तुम, कब से मेरी बेइज्जती किए जा रही हो? अब एक शब्द भी बोला तो तुम्हारा गला घोट दूंगी। दोस्तों, देवरानी जेठानी का ये झगड़ा अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर। दोस्त कैसा है तू? मैं बहुत अच्छा हूँ, और आज बहुत दिन बाद आया इधर। हाँ, मैं अमेरिका गया था, अभी कल ही तो लौटा हूँ। और बता क्या लेगा? अरे कुछ नहीं। अरे कुछ तो ले। नहीं कुछ नहीं। अच्छा तुझे चाय पिलाता हूँ। सुन भाई, चाय रहने दे, एक काम कर, नींबू पानी पिला दे। तू अमेरिका से इधर नींबू पानी पीने आया है? इधर का नींबू का रेट मालूम है तेरे को? अपनी एक किडनी बेचेगा तो एक आईफोन खरीद पाएगा, और दोनों किडनी बेचेगा तब एक नींबू खरीद पाएगा। चल अपनी दोनों किडनी निकाल, मैं अभी तुझे नींबू पानी पिलाता हूँ। ओ छोटू, जरा मेरी चाकू लाना। अरे भाई, तू तो नाराज हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था। तू चाय ही पिला दे, चाय तो मेरी फेवरेट है। पक्का चाय पिएगा ना? पक्का पक्का, एकदम पक्का, स्टैम्प पे लिखवा लो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे हाँ हाँ, बोलो क्या हुआ? मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। अच्छा? खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, काम करता हूँ तो थक जाता हूँ। हाँ हाँ, ये तो सच में बड़ी गंभीर बीमारी है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ गए हो ना, मैं तुमको ठीक करता हूँ। तुमको देखो, एक काम